बाहुबली पार्ट 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 करोड़ पर जा चुका है। फिल्म की गिनती साल की सबसे सफल फिल्मों में होने लगी है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि कलेक्शन का आंकड़ा 1000 करोड़ को भी जल्द ही पार कर लेगा। लेकिन हर फिल्म की तरह बाहुबली पार्ट 2 में भी कई मिस्टेक्स हैं, जिसे शायद आपने ध्यान से नहीं देखा होगा। हम बता रहे हैं बाहुबली पार्ट 2 की ऐसी ही 7 मिस्टेक्स, जिन्हें देखने के बाद आपको भी पूरी फिल्म याद आ जाएगी। फिल्म में ये मिस्टेक्स कुछ सवाल पीछे छोड़ जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि शायद डायरेक्टर राजा मौली बाहुबली पार्ट 3 में इन्हें क्लियर करेंगे। मिस्टेक नंबर 1, वंश एक तो निशान अलग क्यों? बाहुबली में अमरेंद्र बाहुबली यानी प्रभास और भल्लाल देव यानी राणा दगुबत्ती भाई हैं और एक ही वंश के हैं। फिर भी बाहुबली के माथे पर सूर्य तो भल्लाल देव के माथे पर चंद्र बना था, ऐसे में वो एक वंश के कैसे हुए? मिस्टेक नंबर 2, जब बाहुबली को कटप्पा ने मारा तो वहाँ एक पत्थर था जिस पर टिक कर प्रभास बैठे हैं, जबकि पहले पार्ट के पोस्टर में वहाँ कोई पत्थर नहीं था बल्कि एक डेड बॉडी दिख रही थी। बाहुबली जब आखिरी सांस ले रहे थे तो पत्थर गायब हो जाता है और सीन से डेड बॉडी भी गायब हो जाती है। मिस्टेक नंबर 3, ढाल पकड़ी कैसे? जिस ढाल को बाहुबली और उनके साथी पकड़कर महल में उड़कर आते हैं, उसमें पकड़ने के लिए तो कुछ था ही नहीं, तो उसे पकड़ा कैसे? मिस्टेक नंबर 4, वार से पहले ही जमीन क्रैक। इस सीन में जब भल्लाल देव बाहुबली पर वार कर रहे हैं, उससे पहले ही जमीन में क्रैक आ चुका था, जबकि फिल्म में दिखाया गया है कि उस वार के चलते जमीन में क्रैक आया। मिस्टेक नंबर 5, ये 2 फोटो देखने के बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। एक फोटो में खून बाहुबली के माथे से निकल रहा है, जबकि दूसरे एंगल से ली गई फोटो में खून गायब है। मिस्टेक नंबर 6, जब बाहुबली और देवसेना दुश्मनों का सामना तीर से करते हैं, तब क्या आपने ध्यान दिया कि उनके तीर खत्म ही नहीं हो रहे थे? उस पर भी दोनों एक बार में एक नहीं तीन तीन तीर चला रहे थे। अगर आपने सीन को ध्यान से देखा हो तो आप पाएंगे कि दोनों के पास कितने तीर हैं। आमतौर पर 12-15 तीर तरकश में होते हैं। मिस्टेक नंबर 7, भद्रा की माँ कौन? फिल्म के पहले भाग में भद्रा को भल्लाल देव का बेटा दिखाया गया, दूसरे पार्ट में उसका कटा सिर, लेकिन दोनों ही पार्ट में भद्रा की माँ यानी भल्लाल देव की पत्नी कौन है ये नहीं बताया गया। शायद राजामौली इसका जवाब सीरीज की तीसरी फिल्म में देंगे। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।